हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जो तो जैसे तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर आ, सुपर टेट यूपी टेट की क्लासेस जो है वो मैथ की क्लासेस स्टार्ट है और हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम चल रहा था नंबर सिस्टम में ही हमारा एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल उसको हम पढ़ रहे थे कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने पे देख सकते हैं आप हमने कराए हुए हैं ठीक है ठीके? और आगे के क्वेश्चन जो है वो आज हम कराएंगे तो क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है ए थ्री डिजिट नंबर इज रिपीटेड टू टाइम्स टू मेक सिक्स डिजिट नंबर यहाँ पे नंबर जो हमारे दिए गए हैं टू फाइव सिक्स टू फाइव सिक्स और वन जीरो वन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल वाई यदि किसी तीन अंकों की संख्या की दो बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो ऐसे नंबर ठीक है वो किससे विभाजित होंगे तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली है कोई तीन तीन डिजिट के नंबर है जैसे कि इन्होंने लिया है टू फाइव सिक्स और टू फाइव सिक्स इसकी पुनरावृत्ति इन तीन तीन डिजिट की पुनरावृत्ति दो बार हो रही है इसके अलावा इन्होंने एक और नंबर लिया है वन जीरो वन और वन जीरो वन यहाँ पे भी तीन डिजिट के नंबर जो बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं बार बार का मतलब दो बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो ऐसे नंबर जो है तो वो हमारे सिर्फ किससे कटेंगे जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया, कराया था आप पे देख सकते हो जहां डिजिट के लगातार छह बार कोई नंबर आ रहा कोई भी हो जो लगातार छह बार आ रहा हो वो सात ग्यारह तेरह सैंतीस और एक हजार एक से कटेगा ठीक है ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा ऐसे नंबर जो दो बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं और नंबर जो है तीन तीन के ग्रुप में है तो वो नंबर हमारे सात से कटेगा ग्यारह से कटेगा तेरह से कटेगा और एक हजार एक से कटेगा तो इन तीन से ये जो है तो हमारा कटेगा ठीक है तो ये कुछ हमारे नंबर्स हो गए हैं जो इनसे ये कटेगा तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है क्या ध्यान रखना है तीन तीन के ग्रुप्स में दो बार पुनरावृत्ति कर रहे नंबर जो है वो सात ग्यारह तेरह एक हजार एक से जरूर कटेंगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे लिखा है ए टू डिजिट नंबर इज रिपीटेड थ्री टाइम्स टू मेक ए सिक्स डिजिट नंबर नाइन वन नाइन वन नाइन वन और फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल वाई यदि किसी दो अंकों की संख्या की तीन बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो वो संख्या किससे विभाजित तो होगी ये हमारा नंबर है ठीक है तो हम इन क्या कहा है हमारे पास जो नंबर दिया गया है नाइन वन नाइन वन नाइन वन यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे तीन बार पुनरावृत्ति हो रही है दो डिजिट के नंबर पे ठीक जैसे कि यहाँ पे फोर थ्री लिया है फोर थ्री लिया है फोर थ्री लिया है ये भी टू डिजिट के नंबर है जो कितनी बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं दो बार पुनराव दो बार नहीं सॉरी तीन बार पुनरा पुनरावृत्ति कर रहे हैं कितनी बार तीन बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो ऐसे नंबर हमारे किससे किससे किस कटेंगे ये हमारे सात से कटेंगे तेरह से कटेंगे और सैतीस से कटेंगे याद रखना ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है एक बार हम फिर से इनको देख लेते हैं ताकि हमारा रिवाइज हो जाए ऐसे नंबर जो लगातार छह बार आ रहा कोई एक नंबर जो लगातार छह बार आ रहा हो वो नंबर सात ग्यारह तेरह सैतीस और एक हजार एक से कटेगा और ऐसा नंबर जो तीन तीन के ग्रुप में है और लगातार दो बार आ रहा है तो वो सात ग्यारह तेरह और एक हजार एक से कटेगा और ऐसा नंबर जो दो तीन बार पुनरावृत्ति कर रहा है और जो नंबर है वो दो डिजिट का है ठीक है तीन बार पुनरावृत्ति कर रहा है वो हमारा सात तेरह और सैंतीस से, से कटेगा ठीक है तो इसका आंसर हमने आंसर तो बताया नहीं है आपको ठीक है आंसर देख लो तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा सात भी है ग्यारह भी है तेरह भी है ठीक है तो डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा सात भी है तेरह भी है सैंतीस भी है मतलब ऑल ऑफ अब वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं संख्या टू वन स्टार टू में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा जो आठ से विभाजित हो जाए ठीक है इफ टू वन स्टार टू इज डिविजल बाई एट देन द लिस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज मतलब स्टार के स्थान पे हमें कौन सा नंबर आएगा ये बताना है और डिविजिबिलिटी जो अब हमारी इन्होंने बोली है वो एट की बोली है तो भाई एट की डिविजिबिलिटी के लिए हमारा रूल क्या होता है ये भी आप देख लो लास्ट के जो थ्री डिजिट है उनसे बना जो नंबर है वो हमारा डिविजिबल होना चाहिए एट से ठीक है तो ये होता है हमारा डिविजिबिलिटी का रूल इसके पहले हमने एट से पहले जितने नंबर आते हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल बताए हुए हैं हम एक बार फिर से क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो ये होता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमारे पास नंबर क्या होना चाहिए हमारे पास वन और डैश टू ये नंबर है अगर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जीरो रखते हैं तो एक जो है वो हमारा आठ से कटेगा नहीं नहीं कटेगा तो अब हम वन रख के देखते हैं क्या ये आठ से कटेगा आठ बचा तीन आठ को बत्तीस तो ये हमारा आठ से कट रहा है ठीक है पूरा पूरा कट रहा है इसका मतलब वन हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है आए समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इफ वन टू स्टार थ्री इज डिविजिबल बाई नाइन देन दिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज संख्या वन टू स्टार थ्री में स्टार के स्थान पर तो सबसे छोटा अंक क्या होगा जो नौ से विभाजित हो जाए तो यहाँ पे यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी रूल के बात कर रहे हैं वो नौ की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात कर रहे हैं तो नौ का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है सम ऑफ ऑल डिजिट जो है मतलब सभी अंकों का योग जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए किससे कटना चाहिए नौ से कटना चाहिए ठीक है ये होता है हमारा रूल तो हमारा नंबर क्या है देखो भाई हमारे पास वन है टू है और स्टार को तो छोड़ ही दो ठीक है और हमारे पास थ्री है तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सात आएगा सात नहीं आएगा हमारे पास ठीक है क्या आएगा छह आएगा अब नौ से कटने के लिए हमें क्या चाहिए होगा तीन चाहिए होगा तो हम यहाँ पे तीन रख लेंगे तो मतलब स्टार की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा तीन मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है नौ की डिविजिबिलिटी भी हो गई अब हमारे पास है दस की डिविजिबिलिटी के लिए इफ टू थ्री फोर स्टार इज डिविजिबल बाई टेन देन इन प्लेस ऑफ स्टार इज संख्या दो तीन चार स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि दस से विभाजित हो जाए तो यहाँ पे किसकी डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं दस की डिविजिबिलिटी की तो दस की डि डिटी के लिए क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए बस इतनी सी इतना सा रूल है तो इस हिसाब से लास्ट डिजिट जीरो होना चाहिए तो जीरो का मतलब हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जीरो ये हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है थीके? तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इफ फाइव स्टार थ्री फोर फाइव सेवन इज डिविजिबल बाई इलेवन देन डिविजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज फाइव स्टार थ्री फोर फाइव सेवन में स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा कि ग्यारह से विभाजित हो जाए तो ये किसके डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं इलेवन की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा रूल क्या होता है बहुत ही खास रूल है ठीक है हमें क्या करना है इवन प्लेस के जो हमारे आ, क्या बोलते हैं इवन प्लेस के जो हमारे नंबर है ठीक है यहाँ पे हम लिख लेते हैं इवन प्लेस सम ऑफ इवन प्लेस यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ इवन प्लेस नंबर है माइनस क्या करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर ये जो है इनका आंसर या तो जीरो होना चाहिए या ग्यारह का मल्टीपल ठीक है मतलब ग्यारह का गुणा जो होना चाहिए ठीक है ये होना चाहिए अब कैसे समझेंगे जैसे कि हम यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है हमारे पास जो नंबर है उसको लिख लेते हैं हमारे पास नंबर है फाइव स्टार स्टार की जगह पे हम डैश कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है फाइव स्टार थ्री फोर फाइव सेवन इवन नंबर का इवन नंबर का मतलब क्या है भाई ये हमारा पहले स्थान पे है ये दूसरे स्थान पे है ये तीसरे स्थान पे है चौथे स्थान पे है ये पांचवे स्थान पे है छठे स्थान पे है भाई ये नंबर जो है वो कैसे हैं ऑड नंबर है ठीक है और ये नंबर कैसे हैं ये नंबर जो है वो हमारे इवन नंबर है तो इवन नंबर को अलग लिख लो ऑड नंबर को अलग लिख लो तो इवन नंबर पे हमारा क्या आ रहा है इवन नंबर पे पांच आ रहा है ठीक है पांच के बाद हमारा तीन आ रहा है तीन के बाद छह आ रहा है मतलब एक एक छोड़ के या अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये और ये इनको ऐड करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे ये और ये इनको ऐड करेंगे तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है क्या करना है हमको आप यहाँ पे देख सकते हो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए एक के स्थान इवन और अगर आपको नहीं याद रखना है तो सिंपल से पहले स्थान से स्टार्ट करो तीसरे पे जाओ तीसरे से पांचवे पे जाओ फिर दूसरे स्थान से स्टार्ट करो तीस, दूसरे के बाद चौथे पे चौथे के बाद छठे पे, पे ऐसे करना है तो हमें क्या करना है अभी हमें सबसे पहले सात और चार को ऐड करना है सात चार ग्यारह हुआ ग्यारह में को ग्यारह हुआ हमारे पास ग्यारह हुआ अब यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है ठीक है ग्यारह ही लिख लो फिलहाल और हमें क्या करना है नेक्स्ट जो बचे हुए नंबर है पांच के बाद हमारा क्या आएगा तीन पांच तीन आठ हुआ आठ में पांच जोड़ा आस पास तेरह तेरह हुआ अब हमारे पास यहाँ पे कितना नंबर होना चाहिए कि जीरो आ जाए यहाँ पे हम कितना नंबर ऐड करेंगे कि हमारा जीरो हो जाए तो आप कहोगे कि यहाँ पे दो नंबर ऐड कर लो तो जिससे ये तेरा हो जाएगा और तेरह में से तेरा कटेगा तो जीरो हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दो ठीक है इस तरीके से हमारा जो इवेंट और ऑड प्लेस के नंबर है उनका सम करेंगे सम करने पर या तो जीरो आए या तो ग्यारह का टेबल ठीक है ग्यारह का टेबल ही ग्यारह का मल्टीपल होता है ठीक है समझ में ये चीजें जो है हमने अपने चैनल पर कई सारी क्लासेस बनाई हुई हैं डिविजिबिलिटी रूल की कम से कम चार से पांच क्लासेस पड़ी हुई हैं अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है ठीक है तो हमारा आंसर हो गया दो ठीक है आज और आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन है लेकिन हम डिविजिबिलिटी रूल जो हमने आपको कल पढ़ाए हुए थे वो हम हाँ एक बार आपको फिर से बता देते हैं दो की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है हमारा लास्ट डिजिट जो है वो जीरो टू फोर सिक्स एट होना चाहिए ठीक है या कह लो इवन नंबर होना चाहिए पर ध्यान रखना जीरो जो है वो ना इवन है ना ऑड है ठीक है लास्ट डिजिट अगर ये होंगे तो वो नंबर हमारा दो से डिविजिबल होगा थ्री की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए अंकों का योग मतलब जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों का योग करेंगे वो तीन से कटना चाहिए ठीक है ऐसे ही हमारी नौ की डिविजिबिलिटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं अंकों का योग करते हैं नौ से काटते हैं चार की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि लास्ट टू डिजिट जो है वो चार से कटना चाहिए ऐसे ही चार की तरह आठ का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है लास्ट के थ्री डिजिट जो है वो हमारे आठ से कटने चाहिए ठीक है ये हमारे मिलते जुलते रहते हैं ठीक है अब पांच की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट या तो जीरो हो या फाइव हो ऐसे ही दस की डिविजिबिलिटी में क्या होता है लास्ट डिजिट हमारा जीरो होना चाहिए सिक्स की डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए सिक्स का मतलब होता है टू इंटू थ्री मतलब दो गुड़े में तीन तो इसमें सिक्स की डिविजिबिलिटी के लिए दो का रूल फॉलो होना चाहिए और तीन का रूल फॉलो होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद ये भी हम देख लेते हैं अगर छह नंबर लगातार बार बार आ रहे हैं एक ही नंबर छह बार लगातार आ रहा है तो वो नंबर हमारा सात ग्यारह तेरह सैतीस और एक हजार एक से कटेगा ऐसे ही आ अगर तीन नंबर्स का ग्रुप ठीक है लगातार दो बार आ रहा है तो वो नंबर हमारा सात ग्यारह तेरह और एक हजार एक से कटेगा ऐसे ही दो दो नंबर का ग्रुप अगर तीन बार पुनरावृत्ति करता है तो वो हमारा सात तेरह और सैंतीस से कटेगा ठीक है आठ की डिविजिबिलिटी में क्या होता है लास्ट थ्री डिजिट हमारा एट से कटना चाहिए नौ की डिविजिबिलिटी में सभी अंकों का योग करेंगे वो नौ से कटना चाहिए और दस की डिविजिबिलिटी में लास्ट डिजिट हमारा जीरो होना चाहिए और ग्यारह की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि इवन नंबर को एड करेंगे इवन प्लेस के जो नंबर है उनको एड करेंगे और प्लेस के जो नंबर है उनको एड करेंगे फिर उसको माइनस करके ठीक है दोनों को माइनस करेंगे या तो जीरो होना चाहिए या ग्यारह का मल्टीपल होना चाहिए ठीक है तो आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अभी हमारे इसी टॉपिक के कई सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं ठीक है तो उनको हम कवर करेंगे ठीक है तो मिलते हैं भाई बाय बाय